मॉर्निंग फ्रेंड्स, सवेरा हो गया है, उठ जाइए। आप लोगों को उठाते उठाते आज मेरा ही जाना आज के लिए बंद हुआ है। आज मैं भी वॉक के लिए नहीं गई क्योंकि हो रहा है बहुत पेन, तो मैं जा रही हूँ आज डॉक्टर को दिखाने, इसलिए मैं नहीं गई हूँ आज वॉक के लिए। लेकिन बस देखिए, मेरी चाय भी हो गई है, जल्दी जल्दी चाय पी ली है और अब थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि निकलना है डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, फिर और आगे मिलते हैं। ये देखिए गाइस, श्रीवास्तव जी का आज कुछ पार्सल आया था ना, और इनकी पसंद की चीज़ आई है और हमने पूछा कि इसमें क्या है तो बता नहीं रहे हैं, और आते ही सबसे पहले इसे खोलने में लग गए हैं। अभी हमारे यहाँ चाय नहीं पी गई है, अभी चाय बन रही है और ये खुलने लगा है। आखिर ये है क्या, क्या है बताओ तो। अभी दिखा रहा हूँ, इतनी कैची, इसको बोलते हैं राधे श्याम की रामायण। अच्छा, सीधा करो, राधे श्याम रामायण। अच्छा, राधे श्याम की रामायण कुछ अलग होती है। रामलीला होती है, वो सिंपल भाषा में है ये रामायण, जो सबको समझ में आ जाती है। गाइस देखिए, अब आप लोगों को समझ में आ रहा ना, श्रीवास्तव जी बुढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में पड़ती है रामायण की जरूरत। और ये देखिए, इन्होंने रामायण मंगवा लिया, अब ये रामायण पढ़ा करेंगे, तो ये बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुझे तो पता चल गया, क्या बात है। दिखाओ, क्या दिखा रहे, प्रसंग सुनाएंगे तुमको एक आध। अच्छा चलो ठीक है। और ये कपड़े ले आई हूँ मैं छत पे से, जो सुबह धो के डाले थे, सूख गए हैं बढ़िया, और अब इनको मैं तय कर लेती हूँ। जब कितने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए हैं। शॉर्टकट में खाना भी केवल सब्जी रोटी बना दी है, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल से वापस आने के बाद फिर श्रीवास्तव जी को ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैंने उनका टिफ़िन भी लगा के रख दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हॉस्पिटल, आइए चलिए चलते हैं। लेकिन श्रीवास्तव जी रेडी हैं, चलो चलो। देखिए गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, आज हम आए हैं आयुर्वेदिक महाविद्यालय में। आज हम यहाँ से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। जिससे मिल सकते हैं 93 लाख से अधिक रोजगार अवसर,
गाइज मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आयुर्वेदिक कॉलेज में, अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, अच्छा सजेशन दिया उन्होंने, मुझे लग रहा है कि अब मुझे बैक पेन में आराम मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं घर, और आराम मिलेगा तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर हूँ अभी मैं हॉस्पिटल के ग्राउंड में, बताती हूँ आपको जैसा भी होगा आगे मुझे आराम मिलेगा बताऊंगी ज़रूर। आ गए हैं हम लोग वापस अपने घर, और ये देखिए हमारा दूध भी हमारे पड़ोसी ने। गाइस हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ कुछ काम है, आज है संडे, श्रीवास्तव जी घर पे हैं तो हम लोग जा रहे हैं छुटपुट वाले काम निपटाने के लिए। देखिए हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। श्रीवास्तव जी ले रहे हैं कुछ सब्जी, उनकी पसंद की चीज़ मिल गई है, ये फलिया सहजन की, ये इनकी फेवरेट सब्जी है बिल्कुल। हो गई, ये देख लो छाट रही है टमाटर लालम लाल। मनीषा जाती थोड़ा टाइट टाइट लेना, बढ़िया टमाटर मस्त चटनी बनेगी फिर। ये है सब्जी मार्केट, और चढ़ाव कम है। कैसी है? ले लेंगे हम, तुम कहो, हवाई टिकिया बन रही हो। हम टिकिया खाएंगे, एक ले लो बाद में लेंगे, खा लो। कैसी है? सही बताओ, अच्छी है, खा लो। शॉपिंग करते करते श्रीवास्तव जी को लग गई भूख, ये भूख वाली भूख थोड़ा ही है, ये तो चटोरियाई वाली भूख है। हमने खरीदे यहाँ से कुछ फ्रूट्स, ये जो है ना सबको अलग अलग रेट बताता है ये दुकानदार, पहचान लो इसे। आज हम लोग आए हैं श्वेता के घर में, और ये है हमारी पेशेंट। कैसी लग रही है? और यहाँ पे मिले हमें सब लोग, ये श्वेता की फ्रेंड है, और ये देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिले आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है, नए नए लोगों से मुलाकात हुई। अरे उनको नया अपना नाम लफड़ा हो जाएगा मेरा, नए नए लोग मिले, जीजा जी टेंशन में आ गए। आपका नाम क्या बेटा? अलंकृता। अलंकृता नाम भी एकदम बंगाली टाइप ही नाम है ना, अच्छा नाम है। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं। वापस हम लोग आ चुके हैं घर पर, 8 बज गया है, बहुत टाइम हो गया, कब से गए थे।
और मेरी तो कमर भूल गई आज। ये देखिए अब तो लॉक लगा देते हैं क्योंकि अब तो कोई आने वाला है नहीं, तो क्यों बार बार बाहर आके लॉक लगाना। ये देखिए कुछ कुछ हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो गई थी। चलिए जी गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।